पार्टीशन के बाद आए थे ना मुल्तान पाकिस्तान से, उधर से आके फिर यही काम शुरू किया था। हमें तो कोई काम नहीं आता, फिर दादाजी को यही काम आता था शुरू से, तो फिर ये हमने काम शुरू किया। गोलगप्पे तो हर किसी के पास होते हैं, पर मेरे पास कुछ खास है। स्वागत है आपका हमारे पेज फूड फाउंडर पे, और आज हम आए हैं अमृतसर के इस्लामाबाद चौक में, और यहाँ पे रजत चाट कॉर्नर के नाम से भाई साहब काट लगाते हैं, और इनके पास जो जो वैरायटीज हैं वो आपको पूरे अमृतसर में और कहीं खाने को नहीं मिलेंगी। मेरा नाम सर रजत है। सर हमारे पास सभी आइटमें स्पेशल ही है, आप दिखाऊंगा आपको बनाकर कैसे क्या क्या हमारे पास स्पेशल है। गोलगप्पे तो हर किसी के पास होते हैं, पर मेरे पास कुछ खास है। और कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? देख लीजिए, पहले दादाजी थे, फिर पापा जी, अब मैं हूँ। 65 ईयर तो हो चुके हैं हमको तो इस काम में जी। तो चलिए देखते हैं भाई साहब कौन कौन सी आइटम्स बना सकते हैं और क्या क्या है इनका स्वाद, और आपको सारा रिव्यू बताएंगे वीडियो के लास्ट में। ये मेरी आ गई बास्केट चाट, पहले आ गई बास्केट, इसमें आ गया भल्ला, ठीक है जी। ये मेरा थोड़ा सा आ गया मसाला, ठीक है जी। ये थोड़ा सा आ गया प्याज, और इसके ऊपर से आ गया दही, ठीक है जी। थोड़ी सी देसी गुड की चटनी, और ये हमारा स्पेशल ब्लैक मैजिक चटनी, ठीक है जी। और ये ग्रीन चटनी, ऊपर से थोड़ा सा मसाला और लोडेड दही, अनार, हमारा मिक्सचर, ये हमारी बास्केट चाट, ठीक है जी। प्राइस क्या रहता है इसका? प्राइस 50 है जी। छोटी पापड़ी, और फिर से आ गया भल्ला, ठीक है जी। और थोड़ा सा मसाला आ गया, ठीक है, दही आ गया, और ये देसी गुड़ की चटनी, और ये हमारी ब्लैक मैजिक ग्रीन चटनी, थोड़ा सा मसाला, अनार और मिक्सचर, ठीक है सर। ये हमारी आ गई पापड़ी चाट, ठीक है। इसका प्राइस 40। इसके बाद आ जाता है हमारे पास दही भल्ला, ठीक है जी। ये हमारा दही भल्ला, दही में गया, ठीक है जी। इसमें थोड़ी सी गुड़ की चटनी, ब्लैक मैजिक, ये कौन सी चटनी? ब्लैक मैजिक, जो हमारा जिससे सारा काम, हाँ सब सब कुछ खुद ही मेकिंग करते हैं हम जी। थोड़े से अनार आ गए, ठीक है जी। ये हमारा आ गया दही भल्ला, ठीक है जी। और हम थोड़ी सी वैरायटी ऊपर करता हूँ, अभी तो मेरे पास वैरायटी बहुत है। अब मेरे पास दो सिंपल वैरायटी भी आ जाती है गोलगप्पे के बीच में। हमारा होल्ड कीजिए, पकड़िए, हाँ। ये आ गया हमारा पास, हमारे पास सिंपल मसाले वाला गोलगप्पा, आटे वाला, और ये आ गया सूजी वाला, सूजी वाला, ठीक है। और जो इस टाइम पे हमारा ट्रेंडिंग पे चल रहा है वो है हमारा तंदूरी गोलगप्पा, या तंदूरी, तंदूरी गोलगप्पा, हाँ मैं बोलता रहा हूँ। गोलगप्पे हर किसी के पास मिल जाएंगे, पर ये थोड़ा हमने मसाला डाल दिया, ठीक है जी। थोड़े से स्वीट कॉर्न्स, मेयो और अमूल क्रीम मिक्स, मेयो और अमूल क्रीम मिक्स, दोनों चीज़ें, ठीक है जी। और ये इस पर छोटा सा पनीर का पीस, ठीक है जी। ये हमारी ग्रीन चटनी, और ये हमारा थोड़े से ब्लैक मैजिक चटनी मसाला, और ये ऊपर से हमारी आ गई तंदूरी सॉस। ये हमारा तंदूरी गोलगप्पा। और इसका प्राइस क्या है? 15। और इसके पास हमारे पास आते हैं दही वाले गोलगप्पे हमारे। थोड़ी सी चटनी, ऊपर से ग्रीन चटनी, उससे मसाला, ठीक है जी। और ये ऊपर से मसाला, थोड़े से अनार, ठीक है जी। हमारी सारी आइटम आपके सामने मैंने रख दी है। ये बास्केट चाट, पापड़ी चाट, ये आ गया क्रीम वाला गोलगप्पा, ये दही वाला गोलगप्पा, ये दोनों सिंपल सूजी और आटे वाला गोलगप्पा, और ये दही भल्ला। ये आपको या तो गुजरात में मिलेगा, ये गुजरी गुजराती आइटम है, यहाँ से या नागपुर में मिलेगा, और कहीं से नहीं मिलेगा, यहाँ से या अमृतसर में मिलेगा। अमृतसर में अभी तक तो पता नहीं कहाँ से मिलेगा। ये दही वाले आ गए, क्रीम वाला आ गया, पापड़ी चाट आ गई, बास्केट चाट आ गई, दही भल्ला आ गया, और सूजी वाले और आटे वाले आ गए। स्टोरी फिर आपको ऐसे ही, फिर शुरू से काम करते हैं फैमिली, मेरे दादू जी, फिर मेरे पापा, फिर मेरी बारी आ गई। पार्टीशन के बाद आए थे ना मुल्तान पाकिस्तान से, उधर से आके फिर यही काम शुरू किया था। हमें तो कोई काम नहीं आता, फिर दादाजी को यही काम आता था शुरू से, तो फिर ये हमने काम शुरू किया। केवल यहाँ पे कार्ड लगाते हैं आप, यहाँ और भी है कहीं? अमृतसर की पहली शॉप भी यही है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और हमारी एक ही यहाँ पे है शॉप, बस एक ही, बस और कोई नहीं। और इनको काम करते हुए अप्रोक्सीमेट 65 ईयर्स हो चुके हैं, और ये तीसरी जनरेशन है जो यहाँ पे काम कर रही है।
हमारा एड्रेस पड़ता है इस्लामाबाद चौक रियर रघुनाथ मंदिर। अगर किसी को ना पता चले तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, आपको लोकेशन मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है जी। और इनका चैलेंज है कि अमृतसर में और कहीं इनकी जो जो आइटम ये बनाते हैं और कहीं नहीं मिलेगी, तो आइए कस्टमर्स का रिव्यू जान लेते हैं कि इनको ये स्वाद कैसा लग रहा है। मेरा नाम गुरिंदर सिंह है। और कैसा टेस्ट लग रहा है आपको? टेस्ट सर बहुत बढ़िया ना। और आप पहले भी यहाँ आते हैं या पहली बार आए होते? मैंने 3-4 साल हो गए ना तो खाते हैं। ओके, तो मतलब 3-4 साल इनको हो गए हैं यहाँ पे आते हुए, और आप इनकी फैन फॉलोइंग देख सकते हो कि इनका जो स्वाद है वो पूरी तरह से मेंटेन किया गया है। तो जो जो भी पानीपुरी के दीवाने हैं और जो लोग चाट पसंद करते हैं उनको इस वीडियो में टैग कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज फूड फाउंडर को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो हम मिलते हैं आपको एक और ऐसे ही नई वीडियो में, तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए फूड फाउंडर।